बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। मैं हूं अर्पिता और आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूं। आज है फ्राइडे और मैं फ्राइडे दोपहर से ब्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन एज यूजुअल मैं इंट्रो देना भूल गई थी, तो अभी मैं इंट्रो दे रही हूँ। अभी रात के 9:30 बज चुके हैं और मैं थोड़ा सा बाहर गई थी, अभी अभी आई। कमिंग सैटरडे यानी कि कल एक स्पेशल पर्सन के बर्थडे है, तो मैं उसके बर्थडे में जाने वाली हूँ और मैं चाहती थी उसके लिए खास कुछ बनाऊं। केक तो आएगा ही और हमारा बंगाली घर में खीर भी पकेगा, तो मैंने सोचा उसके लिए थोड़ा सा अलग कुछ बना के लेके जाऊं। मालूम नहीं उसको अच्छा लगेगा या नहीं, तो मैं उसके लिए बनाया है मूंग की हलवा। मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, तो जाइए आप झटपट जाके देख के आइए मेरा रेसिपी, मैं कैसे मूंग की हलवा तैयार करती हूँ। और उसके बाद मैं उसके लिए एक स्पेशल सा गिफ्ट लिया है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही यूनिक सा लगा, इसलिए मैं अमेजोन से वो ऑर्डर किया था। वो आ भी चुकी है लेकिन मैं उसको अनबॉक्स नहीं किया अभी तक, तो मैंने सोचा आपके साथ ही अनबॉक्स करती हूँ और देखती हूँ प्रोडक्ट कैसे निकलता है। बहुत ही अच्छा लगा, अमेजिंग लगा, मैंने सोचा वही आप उसके लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट ऑप्शन होने वाला है। मैंने उसको अमेजोन से ऑर्डर किया था और वो आ भी गया है, लेकिन मैं अनबॉक्स नहीं किया अभी तक, तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी अनबॉक्स करती हूँ। तो पहले आप देख के आइए मेरा मूंग की हलवा का रेसिपी और फिर आपके साथ मैं उस गिफ्ट का अनबॉक्सिंग करती हूँ। दाल से पानी एकदम बाहर हो गया, तभी इसे मैं भूनूंगी अच्छी तरह से ब्राउन होने तक। ब्राउन नहीं होगा, लाइट ब्राउन नहीं होगा, तब तक मैं इसे ऐसे ही चलाते हुए भून लूंगी। तो मूंग दाल एकदम ब्राउन कलर हो चुका है, अभी इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूंगी। तो अभी ऐसे एकदम से छोड़ना नहीं है क्योंकि अभी पैन बहुत गर्म है, तो ये लग भी जा सकता है, ये इसलिए हल्का होने तक इसको ऐसे चलाते हुए ठंडा करना है। मूंग दाल को मैं इधर ठंडा करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं उसको ग्राइंड कर लूंगी। और साथ ही साथ यहाँ मैं चाशनी बनाने के लिए चला दिया है पानी को, पानी चीनी और थोड़ा सा फूड कलर दिया है, आप चाहे तो एवरेज भी कर सकते हो, किसी तार वाला चाशनी नहीं चाहिए, सिर्फ शुगर को पानी में मेल्ट करना है। और अभी लगभग मेरा दाल हो गया है ठंडा, अभी इसे मैं फ्राई कर लूंगी। तो दाल को मैं अच्छी तरह से पीस लिया और ऐसे दरदरा टेक्सचर रख के उसको ग्राइंड कर लिया। और इधर मेरा चाशनी बनके तैयार हो गया है, इसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी। एक टेबलस्पून बेसन और एक टेबलस्पून सूजी यानी कि सेमोलिना देकर अच्छी तरह से मैं भून चुकी हूँ। अभी मैं डालूंगी यहाँ चाशनी और थोड़ा सा दूध। गांव बसा नहीं, लुटेरा आके हाजिर हो गया, हलवा बना नहीं आके खाने लगा। तो मेरा मूंग का हलवा तैयार हो गया और थोड़ा ठंडा होने से अच्छी तरह से वो रेस्टिंग टाइम के लिए रख दिया है। अभी आपको मेरा मूंग की हलवा का रेसिपी कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और अभी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ उसके लिए जो गिफ्ट लाया था वो।
कैसा आया मालूम नहीं है, अभी तक मैं अनबॉक्स नहीं किया, देखिए एकदम इंटैक्ट है। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ और मैं भी अनबॉक्सिंग करती हूँ। आशा करती हूँ अच्छा ही आएगा होगा। ऐसे ही आया है एक बॉक्स में और प्रोडक्ट है ये कार्वा मिनी किड्स, और ऐसे ही बुक में आया है लेकिन बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही क्यूट सा है। और इसमें एक इसको क्या कहते हैं चार्जर भी आया है। हेलो एंड वेलकम टू कार्वा किड्स मिनी, गेट द बेस्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज राइम्स मंत्रास आरतीज एंड लर्निंग सॉन्ग्स फॉर योर चिल्ड्रन। जहां मन चाहे आपको कैरी करना ये बहुत ही आसान हो जाएगा। और यहाँ बहुत सारे फीचर्स है और मेनू भी है, यहाँ आपको मिल जाएगा मेनू आप जो सुनना चाहते हो। नीचे नीचे लिखा है 1 2 3 4 4 बटन दिया हुआ है, पहले है राइम्स, देन है स्टोरी, देन है लर्निंग यानी ए फॉर बी फॉर वो सारे चीज, और एकदम लास्ट में है मंत्रा। ये तो गया साइड का बटन और ऊपर में आ जाते हैं। ऊपर में पहले ये रेड सर्कल वाला ये है पावर ऑफ ऑन का बटन, इसके बाद प्ले एंड पॉज का बटन, फिर प्रीवियस एंड नेक्स्ट गाना या स्टोरी सुनना चाहते हैं वो सारा प्रीवियस बटन एंड नेक्स्ट बटन, और यहाँ साउंड डिक्रीज एंड इंक्रीज बटन, और इन केस आपको कोई स्टोरी या गाना लूप में सुनना होगा तो ये बटन है। और यहाँ ये हेडफोन के लिए दिया हुआ है और नीचे ये है ब्लूटूथ का बटन, जैसे जिसको जस्ट प्रेस एंड होल्ड करने से ही ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। और पीछे आपको दिया हुआ है तो पीछे है चार्जर लाइट, चार्जर पोर्ट, ऑक्स पोर्ट एंड यूएसबी पोर्ट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं है। और ये मैनुअल है, इसमें भी आपको सारा कुछ मिल जाएगा और बहुत ही हैंडी है और यूजर फ्रेंडली है। स्पीकर के तरह भी काम करते हैं, आप भी इसे आपके मनपसंद गाना स्पीकर से सुन सकते हो। अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, पिकनिक में जाओ, आपका फोन के साथ ये अटैच करने से ये स्पीकर के तरह भी काम करेगा। एकदम छोटे बच्चे भी यूज कर सकते हैं, एक बार अगर आपको वो एक बार आप उसको दिखा दोगे तो वो भी ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट होता है। देखिए ये मैं पावर ऑन हो गया। हिंदी स्टोरीज इन इंग्लिश एंड हिंदी, माइक लर्निंग सॉन्ग्स, ई फॉर एप्पल मंत्रास, ओम मंत्र। देख लिया जस्ट एक प्रेस से हिंदी राइम्स वो ऑन हो जाएगा और ऊपर जस्ट एक प्रेस से ही वो स्टॉप या पॉज हो जाएगा, तो एकदम आसान है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए झटपट इसको अभी गिफ्ट रैप भी कर लेते हैं, क्योंकि कल सुबह सुबह मुझे निकलना है और काम भी है बहुत सारा, तो झटपट इसको मैं रैप कर लेती हूँ। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यही खत्म करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही मेरा छोटे मोटे ब्लॉग देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और प्लीज जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत ही जल्द मिलते हैं और एक ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।